नालागढ़ में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी मर्डर, चोरियां, फायरिंग के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला दभोटा का है, जहां पर सड़क किनारे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला है। शव को देखने से यह प्रतीत होता है कि सिर पर किसी चीज से हमला किया गया है और मृतक का सिर मिट्टी में गड़ा हुआ था। देखने से यह मालूम हो रहा है कि व्यक्ति की हत्या की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पुलिस चौकी दभोटा को सूचना मिली थी कि दभोटा पेट्रोल पंप के समीप एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। हमारा नाम प्रभु मंडल है, गांव के नाते हमारा पोता लगता है। नहीं जी, काम करते थे हम सब काठे एक जगह। मैं सुबह में हम लोग उठ के आए हैं चाय पीने, तो पता लगा कोई बंदा मरा हुआ पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ देखने तो देखा है यही है, हमारे ही गांव का है। फिर हम लोग पुलिस रिपोर्ट किए, हमको तो लगता है कोई पत्थर से इसको मारा हुआ है जी। वहाँ पर पत्थर पुत्थर रखा हुआ है बहुत। हमारा छाव में कोई किसी से लड़ाई नहीं था जी। हमारा नाम वीरेंद्र दास है, ये मेरा चाचे का लड़का है, सगे चाचे का लड़का है, छोटा भाई जी। इसे मुझे सुबह इन्फॉर्म हुआ कि ऐसे ऐसे बात में एक्सीडेंट हो गया है। हम इनसे 6 किलोमीटर दूरी रहते थे, प्लस हमारे गांव के बाबा लगेंगे, हमारे भाई लगेंगे, ये सब लोग वहां पे मौजूद हुआ। सुबह में देखे कि आदमी बंदा कहां गया, फिर बाद में इसने गया तो सुबह देखा कि वहां पे पड़ा हुआ है। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोनी।